किनवीन मिलती है, पर मुझे यह नहीं पता लगा टेस्ट क्या है भी बीच में। जब भी खाते हैं तो बार बार आना पड़ता है, तो पूरे साल वेट करते हैं इसका आने का। वेट करते हैं आने का, बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 महीने का वेट रहता है कि भाई कब आएगा है। व्हाट इज अप गाइस, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागतम। आज हम अपने पंजाब फूड टूर की एक और शानदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। हम घूम रहे थे जलंधर, और जाते हुए रास्ते में हमें ये हीरा दिखा। पहले तो मेरे को लगा यार कि मूंगफली पट्टी है, फिर पता चला नहीं, इस हीरे का नाम है शर्ला। अब ये शर्ला क्या है, उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। भैया इससे पहले मेरे 5 साल पहले ना मेरे पापा आते थे, ठीक है, वो खाते थे। मुझे पता नहीं था मेरे पापा यहाँ आते या नहीं आते थे। मेरा ऐसे ही जैसे कि बोर्ड परमात्मा ने मुझे भैया यहाँ पर, जब मैंने खाया कंटिन्यू नहीं आने लगा। जब जब खाया मैंने दोबारा टेस्ट वही था, पर जब भी आता हूँ मेरा पेट भरता नहीं है, खाता रहता हूँ पूरे दिन भर। पर जो चीज़ है ना उनकी पूरी सफाई भी है, टेस्ट भी है, बढ़िया मजा आता खाने का। एक्चुअली देखो सर, इसको बोलते हैं शर्ला। ये भाई अपना शर्ला है, देखो स्मूथी आलू छिलड़ बीच में है। हाँ लगता है दिवाली के बाद शुरू करते हैं, और जैसे होली से पहले पहले ही बंद कर देते हैं। हम माल मिलता तब लगाते हैं, जो इसका आलू का सबसे छोटा होता है, आपको दिखाते हैं हम अभी। तो ये आलू की भी वैरायटी अलग अलग रहती है? हाँ जी सर, 4 क्वालिटी की बढ़िया ब्रीड होती है। 2708 चिप्सोना डायमंड और पहाड़ी। 2708 चिप्सोना डायमंड और पहाड़ी। हाँ ये 4 बढ़िया ब्रीड होती है, इसमें शुगर फ्री भी मिलते हैं। अच्छा, इसमें शुगर फ्री कैटेगरी रहता है, जैसे डायमंड ये होता है शुगर फ्री होता है। अच्छा हाँ जी, और अच्छी क्वालिटी होती है इसकी, और जो अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रीड है ना वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन उसका माल बहुत अच्छा बनता है। वो क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये 20 है, तो ये कौन से आलू है? ये वाले डायमंड, ये डायमंड वाले हैं फ्रेश में जो। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट डायमंड रहता है? डायमंड की ये क्वालिटी है ना, डायमंड थोड़ा जल्दी मिल जाता है, जैसे पहाड़ी अभी तो नहीं आ रहा है, अब तो फ्रेश में डायमंड आ रहा है। उसके बाद 2708 शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये ज्यादा गर्मी सोना चलेगा। ये ना हर 2-2 महीने के अलग अलग क्वालिटी में आलू ज्यादा बिकते हैं, मतलब जिस हिसाब से गर्मी सर्दी रहती है उस हिसाब से वो क्वालिटी है। जैसे जोधपुर बकराल आगरा उसको हम लोग नहीं यूज करते। अच्छा, तो उसमें ना मीठा बन होता है, उसको आम रेडी वाले यूज करते हैं, जैसे सब्जी सब्जी में डालने के लिए। अच्छा। आप भी घर में लेते हो कभी देखा है मीठी सब्जी बन जाती है? मीठी सब्जी बन जाती है, ज्योति हो गया, बुखराल हो गया। अच्छा, हम थोड़ा अच्छा क्वालिटी है, क्योंकि हमारा मेन आलू का ही काम है, तो आलू का शर्ला बनेगा। सबसे ये छोटे आलू है उनका शर्ला बनता है। काफी बंदे बोले पालक डाल के शर्ला बन जाता है, प्याज डाल के शर्ला। आप अपने हिसाब से करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ता है। स्पेशली मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, अगर इसको बनाना है सिर्फ मेथी डालनी, कोई पालक नहीं डालनी है, ये प्याज नहीं डालनी। अपने अलग अलग तरीकों से बनाओगे और बाद में बोलेंगे कि ऐसे ही बनता, वैसे ऐसे कभी नहीं बनेगा, शर्ला शर्ला ही होता है। इनोवेशन आप कितना भी कर लो, लेकिन एक जो ओरिजिनल रेसिपी है वो ओरिजिनल ही रहेगी, उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। पूछते ना जैसे कैसे बनते हैं, भैया से पूछा है, भैया बनाते बिल्कुल सही बात, इनोवेशन करो, मजाक मत करो उस चीज के साथ। छोटे छोटे आलू हम काट देते हैं, ये पूरे सॉलिड यार, एक सिंगल आलू है ये, और ये यहाँ पे तवे पे सिकते रहते हैं। ये तवा यार कैसे, गैस का है या कोयले पे सिकता है ये? अपने तरीके से, ये देखो कोयले पे सिकते हैं भाई ये कंटिन्यूस। नीचे हमने लगाया इसका जुगाड़, इससे ना सड़ेंगे नहीं, गर्म होंगे। पहला सीका नीचे खत्म हो गया, मीठा मीठा सीका है धीमी धीमी आग में, और बढ़िया मस्त गर्म हो गया। पूरा ये आपको बताएंगे प्रॉपर मेथड, ये इसको बढ़िया तरीके से बना दिया। इसमें से देखो यार घी बिल्कुल रिस्क निकल रहा है बाहर इसके अंदर से, मेथी एक बहुत ही प्यारी गंध छोड़ रहा है, आलू देख रहे हैं बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। टेस्ट तो भाई करने के बाद इसके साथ हमें देते हैं कच्ची मूली है यहाँ पर, ये स्पेशल पंजाब की खेती का सामान है सभी। ये हरी चटनी किस चीज की है? पुदीना धनिया हरी मिर्ची। और अपनी लाल चटनी किस चीज की बनती है? गुड़ और इमली की। गुड़ और इमली की प्लेट है हमारी तिरंगा की तरह।
हमारे दिल में तिरंगा रहता है हमेशा, और अब हमारे प्लेट में भी तिरंगा है। तो भाई अब इसको टेस्ट करे बिना रहा नहीं जा रहा। टिपिकल डेकोरेशन भाई, इतना ही हरी चटनी अच्छी खासी स्पाइसी है। मीठी चटनी, मीठी तो है बट उससे ज्यादा थोड़ी सी खट्टी खट्टी फ्लेवर दे रही है, तो मीठी के साथ अच्छा बैलेंस आ गया। मूली बिल्कुल फ्रेश है, आलू भाई बहुत कमाल है। एक बिल्कुल न्यू चाट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मुझे नहीं पता था इसके साथ मेरे को कैब पैक करना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी कम उतरी है भाई। एक्सपेक्टेशन से मेरे लिए ये +2 ऊपर गई है। बहुत ही बढ़िया स्वाद है, ब्रेड बिल्कुल माइल्ड है और आलू बहुत ही क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, धीरे उसके अंदर में से निकल के आ रहा है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा बैलेंस है। पहली पहली बार में आपको देख के लगेगा कि दूर से मेरे को देखने में लग रहा था ये गज्जक है, बट यार ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आलू की टिक्की मत समझना इस चीज़ को, बहुत ही डिफरेंट चीज़ है भाई, बहुत ही लाजवाब और इसका अपने आप में एक अलग फ्लेवर है। किसी चीज़ के साथ आप इसे कंपेयर मत करो, ये अपने आप जगह पे बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। तो मैं तो इस प्लेट को कर रहा हूँ फिनिश और वीडियो को भी यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। आपको ऐसी ही अनोखी खाने की पीने की चीजें दिखाते रहेंगे, घुमाते फिराते रहेंगे और हमारे साथ एंजॉय करते रहो यार। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मिलते हैं जल्दी वीडियो में। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए? जब से इन्होंने लगाना चालू किया तब से। बचपन से आ रहे हो? मैंने जब से लगाना चालू किया मतलब 20-22 साल हो गए भाई इस चीज को।